जब देश का प्रधानमंत्री G20 में हिंदी में बोले, कैबिनेट में हिंदी में बोले, दोनों सदन में हिंदी में बोले, गृह मंत्री जी हिंदी में बोले, ये मेरा सौभाग्य है। अभी देखा मैंने 50,000 वोट से हरा दिया इनके उम्मीदवार। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं वो काफी डरे। राजभाषा भारत का संवैधानिक भाषा है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रेषित है और सभी विभाग में हिंदी को यानी लाने का व्यवहार में उसके लिए एक अलग से हिंदी विभाग है और होना चाहिए। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री G20 में हिंदी में बोले, कैबिनेट में हिंदी में बोले, दोनों सदन में हिंदी में बोले, गृह मंत्री जी हिंदी में बोले, ये मेरा सौभाग्य है। जिस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदी में अपनी भाषण दें, लेकिन विभाग में ये मेरा मानना है कि अंग्रेजों की गुलामी का दास्ता का असर बहुत अधिक रहता। हिंदी के लिए हम लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं और ना ही राष्ट्रभाषा। राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा की बात पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करता। राजभाषा तो है और मेरा मानना है कि वो उत्तर भारत की में ये राजभाषा भी है, उनकी बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा भी। अच्छा सर, भारत और इंडिया का लगातार कहा जा रहा था, कोई कह रहा है भारत होना चाहिए, इंडिया क्या होना चाहिए भाई? तो ये जो है, ये हमारे साथ गिरिराज जी हैं जिन्होंने बताया कि हिंदी, दो दिन बाद हम आपको बता दें 14 तारीख को हिंदी दिवस है और आज जो है हिंदी यहाँ का हिंदी के लिए ही स्पेशली मीटिंग की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर बताया गया कि हिंदी को किस तरीके से पुरजोर तरीके से हम ध्यान दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है कि राजभाषा अधिनियम के तहत विभिन्न विभाग हिंदी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये विभाग जो गाँव से ही जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम यहाँ के सचिवों को हिंदी को हम लोग जैसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये मानसिकता है लोगों की, तो उसका क्या करें? जबकि हम सब जानते हैं कि दुनिया में केवल अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा केवल 5 ऐसे देश हैं जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी में काम होता है और सब अलग अलग अपनी भाषाएं हैं। ज़्यादातर स्पेनिश हैं, फ्रेंच है, जर्मन, ये सब। क्या इसकी एक वजह इंडिया और भारत भी है? हिंदुस्तान पर नहीं, इस वजह से नहीं। इंडिया भारत तो 50 साल से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से था। क्या होना चाहिए सर इंडिया और भारत के लिए? लगातार जो राजनीति गर्मा गई है। अरे इंडिया के नाम से मोदी जी परेशान हो गए और कुछ नहीं। मोदी जी सर, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी हलचल है। कोई हलचल नहीं है, अभी देखा मैंने 50,000 वोट से हरा दिया इनके उम्मीदवार। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं वो काफ़ी डरे से हैं और कह रहे हैं कि नहीं इंडिया और मोदी जी डरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं? डरे हुए हैं, देखा नहीं और क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, 15 अगस्त को जो इन्विटेशन गया राष्ट्रपति का था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 20 दिन बाद गया वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये अभी नहीं समझ रहे हैं कि इसका करने होगा। अभी आपके पास जितना 1 रुपए के अलावा जितनी करेंसी है सब पे इंडिया है, आप दूसरा छापिए सब, 10,000 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। सारे हिंदुस्तान में जिसने बोर्ड लगे हुए उसको पुतवाइए, फिर दोबारा लिखवाइए। दे हैव नॉट अभी 5 दिन की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, क्या निष्कर्ष? अरे कुछ नहीं, कोई अभी तक तो एजेंडा नहीं आया है। तो ये जो हमारे साथ ही राम गोपाल जी थे जिन्होंने बताया कि जो इंडिया और भारत है उसको किस तरीके से हम नाम देंगे और जो हिंदी है उसको किस तरीके से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मिनी संसद।